हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मुग्धास कुक हाउस। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने एक पनीर की सब्जी, जो कि खोया पनीर मसाला है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये सभी को पसंद आती है। और एक बार आप ना मेरे स्टाइल में एक बार बना के देखना, आप बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, और तेल में मैंने 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है। फिर उसके बाद थोड़ा उसको रोस्ट करने के बाद मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उसे लंबे लंबे ऐसे काट करके उसे फ्राई करने के लिए डाल दिया है। फिर करीब 10 काजू लेंगे और काजू भी इसी में डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम प्याज को इसमें पका लेंगे, और जब तक हमारा प्याज पक रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पनीर की तैयारी कर लेती हूँ। पनीर में मैंने सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, इन सारी चीज़ों को मिला करके थोड़ी देर के लिए इसे हम रख देंगे। ऐसे करने से क्या होता है ना, पनीर जो है ना, एक जो होता है ना, एक फ्लेवर ले लेता है। जो भी हम चीज़ें इसमें मिला रहे हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस फ्लेवर को, और पनीर की सब्जी ना और टेस्टी बन करके आती है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम रख देते हैं, और फिर यहाँ जो हमने प्याज बनाए थे ना, प्याज को फ्राई किया था, तो उसका अब हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तब तक हम कढ़ाई में जो है थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और उसमें बटर डालते हैं 2 चम्मच करीब में। फिर 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग, फिर 2 छोटी इलायची। फिर थोड़ा सा इसे रोस्ट करने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था प्याज और मसाले का ना, उसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। ये सारी प्रोसीजर हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही करनी है। हाई फ्लेम करने से क्या होता है ना कि वो जल सा जाता है। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, फिर थोड़ा सा गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेंगे। और ये सब्जी ना बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मसालेदार नहीं रहता है। और इसमें नमक डाल करके हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा जो है मसाले से ऑयल जो है रिलीज़ कर गया है, कितना सुंदर अच्छा कलर दिखने लगा है अभी। फिर इसमें हमने खोया है वो 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम खोए को हमने ग्रेट कर लिया, और ग्रेट करके उसे भी हमने डाल दिया है। आप चाहो तो घर पे भी खोया बना करके डाल सकते हो। इसका थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, और इसे भी थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे। अब यहाँ हम पानी डाल देंगे, और पानी डाल करके इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक हमारे पानी में उबाल आ रहा है, तब तक एक पैन लेंगे, और जो हमने पनीर तैयार किया था ना मसालों के साथ, उसको थोड़ा सा हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। याद रखना है, हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। हम इसे फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसमें हमने मसाले डाले हैं ना, वो बस पनीर थोड़ा इसे एब्जॉर्ब कर ले, उसको ले ले, और पनीर के अंदर पूरा टेस्ट चला जाता है ऐसे। हमारा पनीर थोड़ा सा फ्राई हो गया है, और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। तो उस ग्रेवी में हम अपने पनीर को डाल देंगे और इसे मिक्स कर ले। देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध डालेंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा उबलने देंगे। अब यहाँ हमें 1 टेबल स्पून चीनी डालना है। इस सब्जी में थोड़ा सा मिठास सा टेस्ट रहता है, लेकिन वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है, और बच्चे तो बहुत ही मन से खाते हैं। आप एक बार ये सब्जी ना मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के खाना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है। तो यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।